दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हनीकॉम वर्सेस वुडबोल्ट, कौन सा बेस्ट है और कौन सा कम बेस्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खराब है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स हमें जो आए थे वो इसी चीज के आए थे कि सर के हनीकॉम पैड जो होता है वो बहुत ही डल होता है दोस्तों, इसमें क्वालिटी का ही फर्क होता है। लेकिन हम आप दिखाने वाले इस वीडियो में वो दोस्तों कंपनी का पैड है, ब्रांड न्यू सिम्फनी का। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे इसको आपको चलाना है और कैसे नहीं करना है, वेंटिलेशन कैसे पास होता है, कैसे पैड होता है, कैसे चोक होता है, वो सारी चीज बताएंगे। वीडियो बनी रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हनीकॉम पैड की तरफ। हेलो दोस्तों, जिसकी दोस्तों हम बात कर रहे थे इस वीडियो में वो हम इसमें बताने वाले हैं आपको हनीकॉम वर्सेस वुडबोल्ट। और दोस्तों बहुत से कमेंट आते हैं कि हनीकॉम पैड बेकार है, खराब है, कूलिंग नहीं करता है इतनी। दोस्तों एक गलत बात है, इसका प्रॉपर कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसका तरीका भी बताऊंगा आप इसको कैसे यूज करें। दोस्तों सबसे पहले आप देख लो, ये हमारे पास एक वुडबोल्ट पैड है, इसकी आपको मैं क्वालिटी भी दिखाऊंगा। ये आप जो देख सकते हो ये वुडबोल्ट पैड है दोस्तों, ये देखिए। अब ये दोस्तों प्रॉपर ये सिम्फनी का ही है, इसके लिए अब आपने ये देखा होगा ये जो पॉली बैग है ये सिम्फनी का नहीं है। तो इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं, जहां पे मैंने अपने नियर बाय सर्विस सेंटर से इसे मंगाया था वहां पे दोस्तों जो लड़का जो कैरी करके ला रहा था, मेरा फ्रेंड ही है, तो उससे क्या हुआ इसकी पॉली बैग जो है फट गए। तो सिम्फनी जिसपे ये विंटर मॉडल का है जिसके कारण ये फट गया, तो वो इस कैरी बैग में लेके आया था। अब मैं दोस्तों आपको उसकी खासियत दिखाता हूं। इस वाले हनीकॉम में आप ये देखो, सॉरी वुडबोल में, नॉर्मली आपने जो वुडबोल देखा होगा जो लोहे के कूलरों में होता है उसके मुकाबले इस वुडबोल में एक चीज खासियत है कि इसमें आपको ये आप देख सकते हो क्वालिटी। पहले तो आप थोड़ा पास लेके देख लीजिए, ये जो क्वालिटी देखो काफी भरे हुए पैड मिलेंगे इस टाइप से। ये दो पैड आते हैं विंटर में, आपने देखा होगा विदाउट रिमोट जो मॉडल आता है उसमें दो पैड लगते हैं। और दोस्तों जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें आपको नेट मिल जाता है, मॉस्किटो नेट, ये आप देख सकते हो। इसलिए दोस्तों ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मुझे दोस्तों 400 के पड़े हैं, अगर आप भी अगर इसे खरीदना चाहेंगे तो मैं आपको, वैसे तो नियर बाय आपके जो भी सर्विस सेंटर होगा वहां से आपको मिल जाएगा, बाकी जहां से मैंने लिया मैं उस जगह का आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। अच्छा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हनीकॉम पैड की। तो दोस्तों ये हमारा हनीकॉम पैड है, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर खासियत क्या है कि अब ये हनीकॉम और ये रहा हमारे पास वुडबोल। अब हनीकॉम और वुडबोल में क्या है, अब मैं सबसे पहले दोस्तों जहां आप ये ध्यान रखना, पहले आप इसकी मोटाई देख लो, ये दोस्तों इसकी थिकनेस है इसकी 1.5 इंची 1.5 इंचेस इसकी थिकनेस है, मोटाई है। और लंबाई तो दोस्तों इसकी निकालते 21 इंचेस होनी चाहिए। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आपको इसको कैसे यूज करना है, अगर आपके पास हनीकॉम कूलर है तो भी, और चाहे आपके पास अपना वुडबोल है तो भी। हाँ ये आप कह सकते हो जो वुडबोल की जो क्वालिटी होती है वो हनीकॉम से थोड़ी बेस्ट इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि ये वुडबोल है, ये एक्चुअल में ये लकड़ियों का जो बुरादा होता है जिसे हम बरूदा कहते हैं उसका बना होता है और उसके ऊपर ये नेट लगाई जाती है, तो इसमें कूलिंग में आपको काफी फर्क दिखेगा। और हनीकॉम जो होता है दोस्तों वो होता है कागज, जिसके कारण कूलिंग भी आपको इसकी थोड़ी कम लगती है। लेकिन रीजन क्या होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कूलर रखा, जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, तो दोस्तों जो मैं आपको लास्ट के लिए बता रहा था वो ऑप्शन है आपका ये, जैसे ये आप देख रहे हो विंडो है, ये आप देख सकते हो, इस चीज को बोलते हैं वेंटिलेशन। और ये अब आप यहां से देखोगे तो ये आपका रूम, तो ये प्रॉपर वेंटिलेशन इस चीज को बोला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका डाइट 50i मॉडल है, पीछे वेंटिलेशन इस तरह का ओपन है, ठीक है, तो ये आपने यहां रखा हुआ कूलर, इतनी हाइट होती है डाइट 50 की, तो ये प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा है। तो यहां जो इतने स्पेस के अंदर जो आपकी जो एयर जाएगी कूलर की वो ठंडी होगी। तो सेम दोस्तों इसमें आपको वुडबोल जो पैड होता है उसमें भी सेम ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा विंटर का जो पैड लगा हुआ है ये ऐसे। अगर जब तक दोस्तों कूलर है या कोई भी चीज है, चाहे एसी है, देखो एसी का कंप्रेशर बाहर रहता है, मैं आपको थोड़ा रिवाइंड करके बताता हूं दोस्तों। जो मैं आपको रीजन बता रहा था वो उसका मतलब मेरा यही था, जैसे मैंने आपको अभी एक वेंटिलेशन दिखाया, तो जब तक दोस्तों प्रॉपर वेंटिलेशन हमको नहीं मिलेगा तो कूलर ठंडा नहीं करेगा, चाहे वो हनीकॉम हो या वुडबोल हो।
ज्यादातर मैंने देखा कमेंट्स जो आते हैं ना वो इसी टाइप के आते हैं हमारे को कि जो वुडवूल आपका जो कूलर है वो कूलिंग अच्छी देता है, हनीकॉम नहीं देता। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी। इसके अंदर दोस्तों हनीकॉम के अंदर स्लेयर के अंदर शील्ड के अंदर छेद छेद से बने होते हैं जिसके कारण एयर आस पास होते हैं। कंपनी बोलते हैं कि हर साल आपको हनीकॉम चेंज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोग क्या करते हैं इसको चेंज ही नहीं करते। तो जब तक दोस्तों चेंज नहीं करोगे तो फिर आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी। जब तक चेंज जो इसके अंदर चेंज का ऑप्शन इसलिए है कि हर साल ये ब्लॉक हो जाते हैं चोक होने की वजह से एकदम पत्थर। अभी इसका वेट आप देखोगे कुछ 100 ग्राम भी नहीं होगा, 50 ग्राम के आसपास लगभग होगा। और जब इसे हम हर साल इसे चेंज करते हैं तो हमने खुद देखा दोस्तों, हमने खुद एक्सपीरियंस है क्योंकि एज ए टेक्नीशियन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद ये देखा है कि कम से कम एक एक पैड के अंदर दो दो ढाई ढाई किलो वेट हो जाता है, उसमें डस्ट इतनी मिट्टी इतनी जम जाती है। और वो नॉर्मली होता है जहां हार्ड वाटर ज्यादा होता है वहां इतना डस्टी हो जाता है जिसमें जिस कारण हम उस पैड को दोबारा से नहीं चला सकते, हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो उसके साथ ही जहां पे सॉफ्ट जैसे ये हार्ड वाटर हुआ है, कई कई जगह होता है जहां पे पानी बहुत अच्छा होता है, मीठा पानी होता है, उस जगह पे पैड दोस्तों एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सीजन भी चल जाते हैं। सेम ही दोस्तों आपका ये जो वुडवूल है उसमें भी यही है। लेकिन वुडवूल क्या होता है, ये वुडवूल अब इसमें नेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी बहुत लंबे टाइम पे चलेगी। ये भी दोस्तों हर ईयर चेंज होता है, बस ये है कि हनीकॉम से इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है। बाकी कूलिंग की आप जो बात कर रहे हैं उस चीज में मैं भी आपके लिए आपके साथ हूं, डन है मेरा कि इसकी कूलिंग हनीकॉम से बेस्ट है थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं। बाकी ये रेगुलरली चेंज होना चाहिए, ये वाला तो हर ईयर चेंज होना चाहिए। भले ही आप एक बार को हनीकॉम को आप चाहे बाद में या दो साल दो सीजन के बाद आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था, बाकी आपने देख ही लिया। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।